पेरेंट फाउंडेशन ने शुरू किया शिक्षण हक अभियान। लॉकडाउन की आर्थिक तंगी में छात्रों को फीस वसूली से राहत देने की मांग। लॉकडाउन में आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित हो रहे विद्यार्थियों की आवाज़ बुलंद करते हुए नवी मुंबई स्टूडेंट एवं यूथ फाउंडेशन ने शिक्षण हक अभियान शुरू किया है। फाउंडेशन के अध्यक्ष मनोज महाराणा ने दर्जनों पदाधिकारियों के साथ आज प्रदर्शन किया और फीस वसूली में छूट देने, प्रवेश प्रक्रिया के दौरान मार्गदर्शन करने, विद्यार्थियों को शुल्क वसूली के लिए दबाव नहीं बनाने एवं पालकों को मानसिक तकलीफ नहीं देने संबंधी विविध मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। अध्यक्ष मनोज महाराणा ने कहा कि लॉकडाउन से नौकरी धंधा सब कुछ खत्म हो गया है। आर्थिक संकट में छात्रों के साथ फीस वसूली की नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम यह आंदोलन चला रहे हैं। पहले तो आपको बताऊंगा कि कोरोना का संकट जो देश भर में फैल रहा है और उसके वजह से जो फाइनेंशियल कंडीशन जो आ रही है लोगों के ऊपर और ये सब के बीच में जो कॉलेज और स्टूडेंट्स के बीच में का जो घमासान युद्ध चल रहा है आप देख रहे, तो जैसे कॉलेज या स्कूल्स हो बच्चे लोगों से किस तरीके से पैसा मांग रहे, कैसे उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तो ये सब चीज़ें ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग कॉलेज में एजुकेशन नहीं ले पा रहे। अभी ऑनलाइन क्लासेस चालू किया है सरकार की तरफ से, तो वो अपडेटेड और अपग्रेडेड के चीज़ में बच्चे लोग जो मेहनत कर रहे, मशक्कत कर रहे, इन सब के बीच में उनके ऊपर एक प्रेशर डालना पैसे का, उनके फैमिली के ऊपर प्रेशर डालना पैसे का, ये कहीं तो योग्य नहीं है। इसीलिए हम लोग आज भगत साहब के नेतृत्व में, निशांत भगत साहब के नेतृत्व में, दशरथ भगत साहब के नेतृत्व में हम लोग ने एक अभियान निकाला है, शिक्षण हक का अभियान। ये पूरे नवी मुंबई में हम ये अभियान करने वाले, हर एक कॉलेज में, स्कूल में जाके हम मैनेजमेंट को मिलने वाले, उनको हम एक लेटर देने वाले, एक मेमोरेंडम देने वाले और उनको हम लोग विनंती करने वाले, उनके उनसे दरख्वास्त करने वाले कि जो बच्चा आपके कॉलेज में फ़ी भर नहीं पाता टाइम पर, उनका जो भी है, जो भी आप ऑनलाइन क्लासेस में हो या आपको जो लेक्चर्स आप ऑनलाइन लेते हो उसमें उनका नाम ना हटाए, उन्हें उनसे अलग ना करे, तो उनको पढ़ाई करने दे। हर एक पेरेंट्स, हर एक बच्चा पैसा भरने के लिए तैयार है, बट उनको चाहिए थोड़ा सा टाइम, तो आप इंस्टॉलमेंट के प्रोसीजर आप उनको दीजिए, उनको थोड़ा सा वो प्रोसेस में उनको हेल्प कीजिए। एडमिशन से, एडमिशन में उनको हेल्प करिए। बहुत सारे बच्चे लोग एडमिशन नहीं ले पा रहे, वेबसाइट के क्रैशेज़ के वजह से नहीं ले पा रहे, उनको पता नहीं कौन से समिति में कौन से सर से कॉन्टैक्ट करना। तो ये सब मुद्दे हैं, हम ऐसा कुछ चार पाँच मुद्दे को लेकर, जो जनरल मुद्दे जो हमें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के थ्रू ही हमें आए, तो मुद्दों को लेके हम एक मेमोरेंडम तैयार किया हमने और हर एक कॉलेज के प्रिंसिपल को, हो सके तो चेयरमैन को या उनके जो भी मैनेजमेंट के हेड है जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तो उनसे हम लोग दरख्वास्त करने वाले और ये निवेदन देने वाले हैं। अब हम लोग जो भावना है, जो स्टूडेंट की, जो पेरेंट्स की भावना है, वो पहुँचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो हमें अपेक्षा है कि कॉलेज और जो भी प्रशासन है हमें उसमें हेल्प करेगी और वो स्टूडेंट को अपना कॉलेज या लेक्चर्स ना उनसे छूटे, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते नौकरी हो या रोजगार, हर तरफ भारी मंदी और आर्थिक संकट का दौर है। यह मुसीबत छात्रों के सामने भी है। हालांकि अधिकांश शिक्षण संस्थान फीस भरने का दबाव दे रहे हैं। फीस नहीं भरने पर विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। नवी मुंबई स्टूडेंट एंड यूथ फाउंडेशन इन छात्रों को न्याय दिलाने के प्रयास में जुटा है। मनोज महाराणा ने कहा कि अब इस अभियान को लेकर शहर के सभी कॉलेज स्कूलों में दौरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।